गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। माय टुडेज टॉपिक इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज अपन नाइन्थ का हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इंट्रोडक्शन, ये जो इंट्रोडक्शन दिया गया है ना, ये बिल्कुल हिंदी मूवी की तरह दिया गया है कि एक हीरो बूढ़ा हो गया और वो अपनी स्टोरी सुनाएगा, बट पहले उसका बूढ़ा वाला रोल देखना पड़ेगा आपको, है ना, फिर वो कहीं जाके अपनी हिस्ट्री सुनाता है। बिल्कुल ये उसी तरीके से है, ये पहले पेज के ऊपर ही आपको इस तरीके से इंट्रोडक्शन दिया है और स्टोरी, मेन स्टोरी उसके पीछे की ऐसा क्यों हुआ वो सब मिड में दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है। तो क्या हुआ है पहले वो देख लेते हैं, और क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या रीजंस थे, वो सब अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन। On 14 July 1789, the King Louis XVI commanded troops to move into Paris. हुआ ये था कि 14 July 1789 में वहां का जो राजा था, जिसका नाम है King Louis XVI, उसने अपनी ट्रूप्स यानी आर्मी को सिटी के अंदर, सिटी कौन सी, पेरिस में मूव ऑन करने के लिए कहा, औजार के साथ आर्मी को एक चक्कर काटने के लिए कहा। नॉर्मल है, किंग भेज सकता है अपने स्टेट के अंदर क्या चल रहा है वो देखने के लिए, एक बार भेजा उसने आर्मी को, बट इसका उल्टा असर आ गया। रूमर यानी अफवाह फैली, स्प्रेड दैट ही वुड ऑर्डर हिज आर्मी टू ओपन फायर ऑन सिटीजन। रूमर क्या फैला, अफवाह क्या फैली कि राजा ने ये ऑर्डर किया है अपनी आर्मी को कि लोगों के ऊपर ओपन फायर करवा दे। लोग डर गए, ठीक है। सम 7,000 पीपल गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल एंड डिसाइडेड टू फॉर्म पीपल्स मिलिटिया। हुआ ये कि लोग इतने डर गए क्योंकि पहले से ही कहीं ना कहीं किंग और जो ये लोग थे, जनता थी, इनके बीच में अच्छे रिलेशंस नहीं थे। इसकी वजह से ये अफवाह फैली कि नहीं, राजा ने क्या बोला है कि उड़ा दो सबको गोली से। तो लोग डर गए और लोगों ने ये सोचा कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो 7,000 लोग टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोगों को अपनी मिलिट्री खुद, अपनी आर्मी खुद बनानी चाहिए ताकि हम राजा की आर्मी का सामना कर सके। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आप और मैं मिलकर आर्मी बनाते हैं तो भाई विपन भी तो चाहिए ना, सिर्फ खड़े होने से क्या होगा, औजार चाहिए ना, मारेंगे किससे, वो अपने को मारेंगे, अपन किससे मारेंगे। तो क्या हुआ कि दे इन्वेडेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। हुआ ये, अब उन लोगों ने क्या किया, खुद की मिलिट्री बनाने के लिए भाई वेपन्स की जरूरत है, तो लोगों ने जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उसके ऊपर आक्रमण करना चालू कर दिया और कहां से शस्त्र मिल सकते हैं वो खोजना चालू कर दिया। यहां तक क्लियर, ओके। दे एंटर इनटू अ बेस्टाइल फोर्ट वेयर दे होप टू फाइंड एम्युनिशन। एम्युनिशन मतलब वीपन, आर्म्स, ठीक है। अब उनको कहीं पर भी गवर्नमेंट बिल्डिंग में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं मिले। फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि पेरिस के अंदर जो एक बेस्टाइल फोर्ट है, एक किला है, किले में तो 100% शस्त्र होंगे ही होंगे, तो उनमें से इन 7,000 लोगों में से कुछ लोग तो पूरी तरीके से बेस्टाइल फोर्ट के अंदर ही घुस गए, ठीक है, किस उम्मीद के साथ कि उनको क्या मिलेंगे, वेपन्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। इन आर्म फाइट द कमांडर ऑफ बेस्टाइल वॉज किल्ड एंड द प्रिजनर्स वर रिलीज्ड। हुआ ये, अब ऐसे ही कोई किले में घुसेगा तो जो कमांडर है वहां का वो अलाउ थोड़ी ना करेगा, ऐसे कैसे घुस रहे हो, इतने जने, बिल्कुल 100, 200, 300 लोग ऐसे कैसे घुस रहे हो। तो क्या हुआ, लोग भड़के हुए थे, डरे हुए थे, और लोगों ने क्या किया, कमांडर जो था फोर्ट का उसको ही मारामारी में मार डाला, ठीक है। और फिर बड़े वो आगे की तरफ तो उनको कैद खाना दिखा, तो कैद खाने के अंदर जितने भी प्रिजनर्स थे उनको छुड़ाया, बट जब संख्या आप सुनोगे ना आपको हंसी आएगी, कैदी सिर्फ कितने थे, 7। उन 7 लोगों को उन्होंने छुड़ाया, कमांडर को मार दिया, बाकी जो सेना थी उसको अधमरा कर दिया, वो लोग भाग गए
और इतनी बुरी हालत उस किले के अंदर होने लगे। ठीक है, द बेस्टाइल वॉज हेटेड बाय ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। अब बेस्टाइल से लोग इतनी नफरत कर रहे थे, उस किले से इतनी नफरत थी लोगों को, क्योंकि वो जो किला था वो किसका था, किंग का, और वो एक सिंबल था, उसकी जो वो दहशत थी कि ये दहशत का ही एक सिंबल है, जो नफरत है वो वहां पर लोगों ने दिखाना चालू किया, उस किले को तोड़ना चालू किया। द फोर्ट्रेस वॉज डेमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट वर सोल्ड इन द मार्केट हु विश टू कीप सोवेनियर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। अब बड़ी अचरज की बात है, सुनना, क्या क्या लोगों ने औजार को मिले नहीं मिले वो अलग हो गया, प्रिजनर्स को भगा दिया जो कि गिनती के सिर्फ 7 थे, कमांडर को मार दिया, फिर उन्होंने किले की दीवारों को तोड़ना चालू किया क्योंकि उनका गुस्सा जो था कि नहीं ये तो उस राजा का किला है, तोड़ो इसको, तोड़ना चालू किया, और जो पत्थर टूटे उन पत्थरों को भी जाके मार्केट में बेचा कि ये उसी किंग का एक पत्थर है, लोगों ने इंटरेस्ट के लिए उसको खरीदा एज ए निशानी। सोवेनियर मतलब क्या कि हाँ हमने उसके किले को तोड़ा है तो उसकी निशानी एक टुकड़ा है ना है, तो लोगों ने ऐसे टुकड़े मार्केट में बेचना चालू किया, और जिनको ऐसी निशानी चाहिए थी कि हाँ ये उस किले का टुकड़ा है, ये निशानी है इस डिस्ट्रक्शन का, उन लोगों ने खरीदना चालू किया। आई होप इंसिडेंट तो क्लियर हो गया होगा फर्स्ट पेज का। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट वॉज द इंसिडेंट ऑफ 14 July 1789 CE in Paris। इसको अगर घुमा के पूछा जाए तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट वॉज द इंसिडेंट हेल्ड इन द बेस्टाइल फोर्ट ऑफ पेरिस। आंसर सेम है, यही आपका आंसर है और ये आपका क्वेश्चन है। आई होप क्लियर हो गया होगा पॉइंट। तो बोलना तो है ही मुझे कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज विद संगीता। थैंक यू सो मच।